हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, आज आपके साथ वेस्ट बॉटल का एक क्राफ्ट लेके आई हूँ। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी हो रही है, तो छोटा सा क्राफ्ट आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो ये डेटॉल की बॉटल है, वेस्ट ही पड़ी हुई थी, तो इसी से एक क्राफ्ट बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ तक इसका कागज़ जो है निकाल लिया, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, करूँगी इसको। फिर इसमें जो है मार्कर से मैं थोड़ा सा बनाऊंगी डिज़ाइन, और फिर जो है आपको दिखाती हूँ बना के। पहले मार्कर से मैं इस पर डिज़ाइन कर लेती हूँ, थोड़ा सा कटिंग करूँगी इसकी फिर बाद में, और फिर इसको शुरू करते हैं कि ये क्या बनेगा। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और देखिए, मैंने इसमें मार्कर से थोड़ा सा बनाया है डिज़ाइन, इसका हैंडल बनाया है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मार्कर इस पर चल नहीं रहा, तो इसको अच्छे से यहाँ से कटिंग करेंगे चारों तरफ से। इसको इतना सा निकाल लूँगी मैं, और ऊपर से ये जो बनाया हैंडल इसको भी कटिंग करेंगे। और मैं बनाऊँगी एक छोटी सी बास्केट, तो बताऊँगी आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बॉटल से, वेस्ट बॉटल से भी आप बहुत सारे क्राफ्ट जो है बना सकते हैं, और इनको जो है यूज़ में ला सकते हैं। तो इसको कटिंग करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और देखिए, मैंने इस तरीके से ना इसको बॉटल को कटिंग कर ली है। तो मार्कर से मैंने निशान लगाया था यहाँ पे भी, और इधर भी इनको कटिंग कर लिया है। मैंने गैस के पास ले गई थी और इनको कट किया है। और ये जो वेलवेट का मेरे पास सूट का बचा हुआ कपड़ा है ना, इसी को यूज़ करूँगी, इसको डेकोरेट करूँगी। बास्केट बना रही हूँ छोटी सी, तो आप बास्केट का ना इसका बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे त्यौहार आ रहे हैं, राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो आगे इनमें जो आप कुछ भी डाल के छोटी छोटी बास्केट में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ भी डाल के। तो इस तरीके की मैं बास्केट बना रही हूँ। तो देखिए, ये कटिंग कर लिया है। तो वेस्ट बॉटल से आप काफ़ी सारे क्राफ्ट जो है बना सकते हैं और घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, छोटे छोटे निक नैक्स जो है इसमें रख के स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल ये बास्केट होगी। तो देखिए, अभी जो ये बाजू है ना मेरे पास सूट की, तो वो बची हुई है, तो वेस्ट कपड़ा भी है और बॉटल भी पड़ी थी, तो मेरे को आइडिया आया, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसको जो इसके ऊपर चिपकाऊँगी और हैंडल में भी लगाऊँगी, देखते हैं कैसे करती हूँ। तो चिपका के फिर आपको दिखाती हूँ, तो साथ में और भी क्रिएटिविटी करेंगे इसके साथ। और यहाँ पे देखिए, मैंने छोटा सा कपड़े का टुकड़ा काट लिया है वेलवेट का, और ग्लू गन से मैं इसके ऊपर जो चिपका रही हूँ बॉटल के ऊपर कपड़ा। तो आप कुछ भी चिपका सकते हैं, जो ड्रॉप भी चिपका सकते हैं। तो मेरे पास वेलवेट का कपड़ा पड़ा था, तो मैंने वही चिपकाया। तो वेस्ट मटेरियल से मैंने ये जो है बास्केट बनाई है, कबाड़ से जुगाड़ बिल्कुल, और ज़ीरो कॉस्ट DIY है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसी DIY बनाइए, और किसी को भी कुछ भी गिफ्ट करना है तो इस बास्केट में डाल के दीजिए। घर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप, ड्रेसिंग टेबल पे आप छोटे छोटे निक नैक्स, अपने कानों के टॉप्स वगैरह और अंगूठियाँ वगैरह कुछ भी इसमें डाल के रखेंगे, तो आपकी संभली रहेंगी, इधर उधर फैलेंगी भी नहीं, और पड़ी हुई अच्छी भी लगती है बास्केट ये। और कहीं पर भी इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स कॉफ़ी के तो आप इसमें डाल सकते हैं, और टेबल पे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, कहीं पे भी इसका यूज़ करेंगे तो ये पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने ग्लू गन से इसको चिपका दिया है कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से, और ग्लू गन से बिल्कुल मजबूती से चिपक जाता है। आप जो है फेविक्रिल जो ग्लू आती है कपड़ों को जोड़ने वाली, उससे भी चिपका सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ग्लू गन थी, तो मैंने ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपकाया। और देखिए, हमारी बास्केट जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इसके ऊपर कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो नीचे मैंने ना एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी चकोर जो है पीस काट के फिर से बाद में चिपकाया था, उसकी वीडियो बन नहीं पाई, तो उसके हैंडल को भी मैं अभी कवर करूँगी। तो देखिए, ये पूरा कवर हो गया वेलवेट के कपड़े से। तो पुराना कपड़ा आपके पास प्रिंटेड कोई भी अच्छा सा प्रिंट कपड़ा हो तो आप उसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। तो बड़ी बॉटल्स होती हैं जैसे, उनको भी कटिंग करके आप उनसे भी बास्केट बना सकते हैं। तो बताइएगा ये वाला आइडिया आपको बास्केट का कैसा लगा। अब इसके हैंडल पे भी मैं जूट रोप जो है लगाऊंगी। तो देखिए, एक तरफ मैंने लगाई है जूट रोप, तो जूट रोप भी मेरे पास पड़ी हुई थी, आप ऊन भी लगा सकते हैं आपके पास ऊन पड़ी हो तो। तो इस तरीके से मैंने जूट इसके अंदर डाल के घुमा घुमा के इसके ऊपर जो है
लगा दी थी, और लास्ट में मैंने जो है फेविक्विक से इसको चिपका दिया था, जो लास्ट का टुकड़ा था। तो देखिए दोनों तरफ जो है जूट मैंने हैंडल में भी लगा दिए, तो सिंपल भी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो बीड्स वगैरह तो मेरे पास पड़े हुए थे, पर मिरर भी पड़े हुए थे कुछ थोड़े से, तो मिरर मैं इसके ऊपर जो है चिपकाऊंगी। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो घर में वो आप चिपका सकते हैं। प्रिंटेड कपड़ा लगाएंगे इसके ऊपर तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलवेट है, प्लेन है, तो इसके ऊपर मैं जो है मिरर लगा रही हूँ। आप पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने बीच में बड़ा मिरर लगाया फेविक्विक से, और जो छोटे मिरर हैं वो मैंने सारे जो है फेविकोल से चिपकाए थे। बताइएगा आपको ये बास्केट का DIY कैसा लग रहा है। और देखिए मैंने मिरर को अच्छे से दबा के चिपका दिया ताकि ये हिले ना, और बिल्कुल मजबूती से लगे हैं। नीचे देखिए मैंने ग्लू गन से इसमें चकोर कपड़ा भी कटिंग करके लगाया था ताकि जो है जॉइंट जो सारे दिखे ना। तो ये वाले जॉइंट जो दिख रहे हैं ये भी कवर हो जाएंगे, उनको भी अच्छे से फेविकोल से चिपका दूंगी मैं अभी। और ये छोटे मिरर भी मेरे पास पड़े हुए थे तो उनको भी मैंने फेविकोल की से लगाया है। फेविकोल लगा लगा के उनके ऊपर मिरर रखती गई, और जल्दी सूख गया था ये, इसको बनने में समय भी नहीं लगा। तो देखिए इसमें छोटे बच्चों को आप गिफ्ट कर सकते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह डाल के भी कुछ भी आप इसका यूज़ करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और अलग अलग तरीके से बना के रखिए, और इसमें कान्हा जी के कपड़े भी रख सकते हैं, मंदिर में रखेंगे कान्हा जी की बांसुरी मुकुट वगैरह रखने के काम भी आएगी ये वाली बास्केट। तो बहुत ही यूज़फुल है ये बास्केट, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना और बताइएगा आपको कैसी लगी बास्केट। तो चारों तरफ भी खाली लग रहा था तो मैंने थोड़े से बड़े मिरर भी मेरे पास पड़े हुए थे तो वो भी लगा दिए। तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से ये बनाया है, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ मेरा। तो मुझे आइडिया आया तो मैंने आपके साथ ये बास्केट बनाने का आइडिया शेयर किया। तो हैंडल पे भी देखिए मैंने मिरर लगा दिए। तो देखिए बास्केट हमारी बनकर रेडी है। तो बताइएगा कैसी लग रही है ये मिनी बास्केट, प्लास्टिक की बोतल से मैंने जो बनाई है। तो आप किसी भी तरीके से बोतल को कोई भी रूप दे के आप सजा सकते हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास मिरर नहीं था तो मेरे पास स्टोन पड़ा था एक, ये ग्रीन कलर का, तो मैंने सेंटर में लगाया स्टोन और दोनों तरफ एक जैसा डिज़ाइन बनाया है। मिरर की जगह मैंने स्टोन लगा दिया। तो देखिए बास्केट बिल्कुल तैयार है, और पड़ी हुई भी कितनी सुंदर लग रही है, जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी, और किसी को गिफ्ट भी करोगे तो वो भी खुश हो जाएगा। और ऊपर भी मैंने देखी साइडों में ना जॉइंट दिख रहे थे, तो जूट की जो रस्सी है उसी को ऊपर से साइडों में किनारों पर भी लगा दिया है ताकि जॉइंट जो है बिल्कुल छुप जाएँ। तो बताइएगा कैसा लगा DIY। धन्यवाद।